Okay, so अच्छा, आज हम वो इंट्रोडक्टरी फेज से निकल कर हम नेक्स्ट फेज की तरफ जाएंगे। सो बेसिकली आई डिसाइडेड टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि मेरे ख्याल में ज़्यादा रेलेवेंट मुझे लगा और ज़्यादा बेहतर लगा, पोस्ट प्रडिक्शन एंड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो बेसिकली ये चैप्टर 3 है आपकी बुक में। यस, चैप्टर 3 है। सो आप लोग इसे देख सकते हैं। सो बेसिकली इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग, इसके इंट्रोडक्शन में डिफरेंट सिनेरियोज उन्हें दिए हुए हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट के हवाले से, अबाउट द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और सॉफ्टवेयर कॉस्ट प्रिडिक्शन के हवाले से एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। सो वो सी व्हाई सॉफ्टवेयर कॉस्ट प्रिडिक्शन इज इम्पोर्टेंट एंड हाउ इट कैन अफेक्ट द ओवरऑल प्रोजेक्ट। सो बेसिकली इधर एक रेफरेंस दिया हुआ है, एग्जाम्पल कौन की हुई है, पेनिंगटन 1956। वो अपना एक्सपीरियंस लिखता है बेसिकली, जब वो एक डेवलप कर रहा था एक सॉफ्टवेयर। सो ये 1950s की बात है, आप ये कह सकते हैं। सो बेसिकली लेट मी अलाउ द स्टूडेंट्स एज वेल। तो वो क्या लिखता है बेसिकली, वो कहता है वो डिफेंस सिस्टम, जो एक लार्ज एयर डिफेंस सिस्टम था, उस पे काम कर रहा था और उसमें उसने तकरीबन हाफ अ मिलियन लाइंस ऑफ कोड लिखे थे, जिसको LOC भी कहते हैं। सो यू कैन इमेजिन के हाउ बिग इट वाज, हाफ अ मिलियन लाइंस ऑफ कोड्स। सो वो अपनी राइटिंग में इसे कहता है कि इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट कॉस्ट जो थी वो रीजनेबल प्रोडक्शन कॉस्ट थी। मुझे बार बार लोगों को अलाउ करना पड़ा इसलिए मैं रुक रहा हूँ। एनीवेज, सो वो कहता है उस अपने प्रोजेक्ट में जो कि वो एयर डिफेंस सिस्टम के लिए कर रहा था, उसके लिए उसने हाफ अ मिलियन लाइंस ऑफ कोड लिखी, जिसको उसने LOC का नाम लिया दिया। LOC स्टैंड्स फॉर लाइन ऑफ कोड। एंड और उसको उसने कहा कि इसकी इसकी प्रोडक्शन में जो कॉस्ट थी वो रीजनेबल थी। लेकिन इस प्रोडक्शन कॉस्ट में पेपर की कॉस्ट, कंप्यूटर की कॉस्ट, या अदर रेलेवेंट जो कॉस्ट उसमें थी, जैसे टेस्टिंग की, सॉरी अदर रेलेवेंट कॉस्ट थी, वो उसने शामिल नहीं की थी। और इसके अलावा जैसे स्पेसिफिकेशन के लिए, कोडिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए, ये वाली कॉस्ट भी उसके बारे में भी उसने डिस्कस नहीं किया था। सो इसका आउटकम क्या था इस प्रोजेक्ट का, जिसको जिसके बारे में बेरिंगटन कहता है कि ये एक रीजनेबल कॉस्ट सॉफ्टवेयर था, कि इसका आउटकम ये कि जो जो जिस स्केड्यूल में उसने डिलीवर होना था, उस स्केड्यूल से ये एक साल बाद जाके डिलीवर हुआ या कंप्लीट हुआ। सो दैट वाज द आउटकम ऑफ दैट प्रोजेक्ट। सो जो कि उसके लिए लेटर ऑन भी एक डिस्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस के तौर पे उसे हमेशा याद रहा। सो बेसिकली अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि कॉस्ट एस्टिमेशन या कॉस्ट प्रिडिक्शन, यहाँ पे वर्ड जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रिडिक्शन, क्योंकि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं तो यू जस्ट हैव अ रफ आइडिया इन योर माइंड कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। सो बेसिकली यू आर प्रिडिक्टिंग द कॉस्ट ऑफ
यू कैन से प्रोजेक्ट इट इज लाइकली टू हैपन के आपकी कॉस्ट उससे ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, मतलब इट कैन हैपन, बट इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर द डेवलपमेंट टीम टू predict the cost of the software, the actual product. So, इस बारे में बड़ा मज़े काम है जोगेंसन और मोलोकन ऑस्टवॉल, ठीक है, जोगेंसन और मोलोकन ऑस्टवॉल 2006, उन्होंने रिव्यू किया मल्टीपल सोर्सेस को, उनके एविडेंसेस को, और उन्होंने कंक्लूड ये किया कि नॉर्मली जो भी कॉस्ट प्रिडिक्शन की जाती है, ठीक है, कॉस्ट एस्टिमेशन की जाती है सॉफ्टवेयर के हवाले से, उसमें एरर की अमाउंट जो है वो 30% होती है. इट इज़ इन द रेंज ऑफ 30%. सो कॉस्ट एस्टिमेशन एरर जो है वो ऑलमोस्ट 30% हुआ करता है. सो दैट वाज That was the outcome that came from the review of these two people, Jorgensen and Oswald. So, इस पे काम किया बाद में कुछ लोगों ने, जैसा एल एमन एंड कोरू ने 2008 में, जिन्होंने 388 responses को जो है ना कंक्लूड किया, और उसमें का उसमें क्या उन्होंने फाउंड किया, वो कोट करते हैं कि द मोस्ट क्रिटिकल परफॉर्मेंस प्रॉब्लम इन डिलीवर्ड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज देयरफॉर एस्टिमेटिंग अ स्केड्यूल एंड मैनेजिंग टू दैट एस्टिमेट. सो कहते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में जो डिलीवर हो चुका है, उसमें सबसे क्रिटिकल परफॉर्मेंस का जो प्रॉब्लम है, क्रिटिकल परफॉर्मेंस प्रॉब्लम है, वो बेसिकली उसकी स्केड्यूल को एस्टिमेट करना और उसकी कॉस्ट मैनेजिंग टू द एस्टिमेट का मतलब है कि उसको उस स्केड्यूल को मेंटेन करना या उस कॉस्ट को भी मेंटेन करना, आप इसके ये भी मतलब दे सकते हो. So basically, that is the most critical problem in any software project. एक independent survey जिसमें जो conduct किया गया by European Services Study Unit, जिन्होंने 105 large public ICT projects को जो है वो देखा, observe किया, और उन्होंने ये observe किया, उन्होंने ये जो है उनकी finding थी कि देवर ओवररन इन द कॉस्ट विद द एवरेज कॉस्ट बींग 30.5, ठीक है, 30% ऑन एवरेज जो है कॉस्ट ज्यादा लगी इनिशियल एस्टिमेट से. ये इंडिपेंडेंटली लोगों के डिफरेंट फाइंडिंग्स हैं, और ये वेरी मच अलाइन है जोगेंसन और मोलाकन की क्या कहते हैं कि कॉन्सेप्ट से, कि आइडिया से, जोगेंसन और मोलाकन ने ये आइडिया दिया था कि आपके पास कॉस्ट एस्टिमेशन एरर जो है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में वो ऑलमोस्ट 30% होता है. सो दैट वाज देयर एस्टिमेट. सो दिस ऑल इज हैपनिंग, मतलब ये डिफरेंट लोगों का काम है, डिफरेंट तरीके से उन्होंने कॉस्ट एस्टिमेशन को हाईलाइट करने की कोशिश की है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल परफॉर्मेंस यहाँ पे क्रिटिकल परफॉर्मेंस प्रॉब्लम है जो कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में आता है. सो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि व्हाई आर the software project cost difficult to estimate, कि ऐसा क्यों है कि software project cost estimate करना मुश्किल है
इम्पॉसिबल नहीं, मुश्किल है एज कंपेयर टू एनी अदर प्रोजेक्ट कॉस्ट। सो जब हम दूसरे प्रोजेक्ट या रोज़मर्रा के कॉस्ट की बात करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट हम घर में स्टार्ट करते हैं, सो वी हैव अ रफ एस्टिमेट इन आवर माइंड कि व्हाट वी वांट टू डू। फॉर एग्जांपल, आपने घर में कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, आपने घर में कोई चीज़ लानी है, सो यू हैव एस्टिमेट कि मैं 10,000 रुपीज़ तक स्पेंड करने हैं। बट why it is different in case of software projects, so isme bahut sari cheeze hain, let's see. Author ke mutabik bahut sari reasons ho sakti hain. Sabse pehli aur sabse important hai complexity. So complexity kis cheez ki hai? Complexity of whole project actually, kyunki bahut sare projects jo hote hain unme बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है, जिसको लोग एट द टाइम ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन जो कंसिडर नहीं कर रहे होते, और उसमें प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. सो देर आर मल्टीपल डायमेंशंस टू, देर आर मल्टीपल वेज टू सी अ सिंगल प्रोजेक्ट from the point of view of stakeholders as well. So इस वजह से जब project actually develop होना शुरू होता है तो उसकी जो cost है वो increase कर जाती है या project delay हो जाता है. Delay होता तो automatically उसकी project की जो cost है वो increase कर जाएगी. तो so basically हर वो project जहाँ पे inconsistency है, अनसर्टेनिटी है और देर इज अ चेंज, ठीक है, अनकंट्रोल्ड चेंज है, ये तीन क्वालिटीज जिस भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में है आपको वहां पे जो प्रोजेक्ट डिले होता हुआ नजर आएगा, और अल्टीमेटली इट विल लीड टू द ओवर स्पेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट. गॉट इट? सो बेसिकली at the time of estimation of the cost we do not take into account the complexity of the project itself. Secondly, software development jo hai usko mostly jo log hain they take it as a design type activity, theek hai, isko wo production activity nahi samajhte. They think that it is just kind of a design type activity and there is nothing like, there are no processes, there are no further processing involved except designing. So iska matlab ye hai ki jab aap cost estimation kar rahe hain aap sirf software designing ya development ko zehen mein rakh rahe hain, आपने उसकी टेस्टिंग या प्रोडक्शन के और भी बहुत सारे फेजेस हो सकते हैं. क्वालिटी एश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग और रिस्क असेसमेंट की बात करें एंड सो ऑन. सो इसका मतलब ये कि आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं जहन में रखा और आपने कॉस्ट सिर्फ डिज़ाइन एंड डिवेलपमेंट के हवाले से ही एस्टिमेट की है. सो एक्चुअली जब फिर वो आपकी प्रोजेक्ट अगर इस सारे फेजेस से गुजरता है या इन सारे फेजेस से नहीं भी गुजरता, इन आइदर केस सॉफ्टवेयर विल बिकम इनकंसिस्टेंट अगर वो इन सारे प्रोसेस से नहीं गुजरेगा, और अल्टीमेटली इट विल लीड टू ओवर स्पेंडिंग ऑन द या कॉस्ट जो है एस्टिमेशन आपका इंक्रीज हो जाएगा. Thirdly, जो estimates हैं they are normally required at a very early stage, ठीक है, वो normally at the start of the project आपको required होते हैं जहाँ पे आपको requirement भी नहीं पता होती, requirement बल्कि अभी gather करना होती है, और ये just आपका अपने personal experience की base पे आप कह सकते हैं अंदाजे होता है
उसकी बेस पे या डॉक्यूमेंटेशन की बेस पे आप सिर्फ अंदाजा लगाते हैं कि दिस इज विल बी द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. सो दैट इज अनदर हर्डल के सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जैसा आप किसी किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि मैंने 3-story बिल्डिंग बनानी है, तो ही विल गिव यू एन एस्टिमेट ऑफ ऑल द मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, और ऑल द लेबर चार्जेस. अब उस केस में अगर आप का मकान 1 महीने बाद भी बनता है कि बारिश हो गई इसलिए लेबर नहीं आई, काम भी नहीं हुआ, या आपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं दिया तो काम भी नहीं हुआ, लेबर चार्जेस भी नहीं आपको पड़े, इसका मतलब ये है कि कॉस्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ता. गॉट इट? आप किसी दर्जी को देकर आते हैं अपना सूट सिलने के लिए, स्टिच करने के लिए, सो अगर वो आपसे 1 हफ्ते की बजाय आपको 3 हफ्ते बाद भी देता तो उससे कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. बट हेयर आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिज़ाइन और रिक्वायरमेंट एनालिसिस और जो भी आप फेजेस लेकर चल रहे हैं, टेस्टिंग है, इन सब के लिए आपके पास प्रोजेक्ट टीम है, उसने एलोकेट होना है. तो जितना प्रोजेक्ट डिले होता जाएगा, एवरीवन इन्वॉल्व विल कॉस्ट द प्रोजेक्ट अल्टीमेट. और ये जो डेवलपमेंट करने वाले जो लोग हैं, वो लोग जो हैं दे विल बी एट द एंड ऑफ यू कैन से लॉस मोस्ट ऑफ टाइम्स. आपकी जो सॉफ्टवेयर हाउस कह सकते हैं दे विल बी एट द एंड ऑफ लॉस. सो कोई चैट पे कर, अच्छा, सो बेसिकली दीज आर द फैक्टर्स के आप जब आप प्रोजेक्ट की एस्टिमेट उस वक्त देते हैं जब आपके पास बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती प्रोजेक्ट की, और सो यू हैव नो आइडिया व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट, और आप सिर्फ इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन की बेस पे ही वो एस्टिमेट देते हैं. तो दैट इज वन ऑफ द मेन इम्पोर्टेंट रीजन, एंड ये आपकी कॉस्ट एस्टिमेशन में एरर होता है. फाइनली दे आर मैनी सटल एंड नॉन सटल social and political pressures upon those responsible for cost modeling. जो लोग cost modeling कर रहे होते हैं, cost estimation कर रहे होते हैं, उनके बारे उन पे politically भी या socially भी बहुत pressure डाला जाता है कि नहीं इसकी cost कम करो, इसकी cost कम करो, इसकी सब, क्योंकि कोई भी महंगी product नहीं खरीदना चाहता या बनवाना चाहता. So आप अगर उसे कहते हैं एक प्रोजेक्ट पे 5 million खर्च होंगे तो दे विल बी ट्राइंग टू डू दिस इट इन 2 million. सो दैट इज दी वो लोग, क्योंकि इसकी एक पीछे एक मेंटेलिटी भी है कि इट इज अ डिजाइन एक्टिविटी नॉट अ प्रोडक्शन एक्टिविटी. सो बेसिकली अल्टीमेटली तो कॉस्ट मॉडलिंग है या कॉस्ट प्रिडिक्शन जो है वो इनसाइड फैक्टर्स से भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है. तो So, एक साइंटिस्ट है फ्लिपबर्ग, वो इसको कहता है टू अंडर एस्टिमेट कॉस्ट एंड ओवर एस्टिमेट बेनिफिट्स इन ऑर्डर टू सिक्योर फंडिंग फॉर अ प्रपोज प्रोजेक्ट एज स्ट्रेटेजिक मिस इंटरप्रिटेशन. वो कहता है ये स्ट्रेटेजिक मिस इंटरप्रिटेशन है. आप एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट को अंडर एस्टिमेट करें और उसके बेनिफिट्स को ओवर एस्टिमेट कर दें कि आप बहुत कम कॉस्ट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है. सो दैट इज अ वेरी स्ट्रेटजिक मिस इंटरप्रिटेशन वाइल डूइंग द कॉस्ट मॉडलिंग. तो सो वी कैन सी दैट देयर आर प्रॉब्लम्स विद द cost prediction of a software project, and they have very significant consequences as well. So we can see, let me see any students are there. Okay.
सो बेसिकली इसमें फर्स्टली हमारे पास जो क्या मसला है कि देयर इज अ टेंडेंसी फॉर एरर्स इन वन डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल व्हाई वी आर सेइंग दिस, बिकॉज देयर इज अ बायस इन्वॉल्व इन इट इन एस्टिमेटिंग द कॉस्ट. हम ओवर ऑप्टिमिज्म का शिकार हो जाते हैं व्हाइल एस्टिमेटिंग कॉस्ट, के हम कम इन्वेस्ट करके ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं. दैट इज अ रॉन्ग स्ट्रेटजी टू पुट, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता. सेकेंडली पुअर कॉस्ट प्रिडिक्शन. ठीक है, पुअर कॉस्ट प्रिडिक्शन जो है वो बहुत सीरियस किस्म का एक इशू है. एक तो है कि आपकी कॉस्ट प्रिडिक्शन बायस है, दूसरा आपकी दूसरा इशू ये है कि आपकी कॉस्ट प्रिडिक्शन पुअर है. पुअर कॉस्ट प्रिडिक्शन के अपने जिसे कहते हैं ना कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जैसे कि आपके प्रोजेक्ट कैंसिल हो सकता है. ठीक है, और प्रोजेक्ट कैंसिल क्यों हो सकता है, क्योंकि आपके पास कॉस्ट ही जो है वो इनफ नहीं है. और इस अल्टीमेटली इसका मतलब तो ये था कि आप के जो आपने जो कॉस्ट इनिशियली ली थी या दी थी वो इनफ ही नहीं थी इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और उसकी वजह से पूरा प्रोजेक्ट जो है 25% 35% 50% कंप्लीट हुआ और वहाँ पर रुक गया, और इसकी वजह से वो कैंसिल करना पड़ा इंडिया. सो इसका मतलब है कि जो प्रोजेक्ट स्टार्ट में आपको कमीशन यानी आपको एलोकेट ही नहीं होना चाहिए था, अप्रूव ही नहीं होना चाहिए था, वो आपने अप्रूव कर दिया ड्यू टू पुअर कॉस्ट प्रिडिक्शन की वजह से, और दैट लेड टू कैंसलेशन ऑफ द प्रोजेक्ट. फिर दूसरा ये हो सकता है कि आपने अंडर एस्टिमेशन की किसी अपॉर्चुनिटी की, और उसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट जो है वो आपने अपॉर्चुनिटी को ही मिस कर दी. सो अंडर एस्टिमेशन से मतलब ये कि एक प्रोजेक्ट ज़्यादा वैल्यू का हो सकता था लेकिन आपने अपनी पुअर जजमेंट की वजह से, पुअर कॉस्ट एस्टिमेशन की वजह से उसको कम कीमत में डिलीवर कर दिया. तो दैट मीन्स यू हैव यू आर एट लॉस्ट, यू एंड योर टीम आर एट लॉस्ट. उन्होंने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़्यादा कमाने की अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़ाया कर दी. सो दीज आर द टू ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कॉस्ट जो ना रेमिकेशंस. सो फर्स्ट वन इज एज आई सेड अर्लियर कि फर्स्ट वन इसमें से है कि आप की आप बायस होते हैं कॉस्ट प्रिडिक्शन में. Second one is the that you are poor at cost prediction. So we will keep it until this end. So yeah, यहाँ तक ही आज रखते हैं. और any questions?